यार मैं कूद रहा हूँ। सब लोग ने मेरे को प्यार में धोखा दिया है। सोनम गुप्ता भाई 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 गुड मॉर्निंग गाइज, आज है 28th of August और होटल से चेकआउट कर लिया हमने। आज हम एक्सप्लोर करेंगे शिमला एरियाज और सुधांशु जो मिलने जा रहे हैं फ्रॉम सी एस टेक उससे मिलेंगे और बाकी चलते आगे क्या होता है। अभी हम फिलहाल जा रहे हैं विक्ट्री टनल की और वहाँ से बस पकड़ के आगे जाएंगे। से तो हम लोग उतर गए और अगेन पथ यात्रा पे ही हैं क्योंकि बजट कम है और यहाँ पे वैसे भी कुछ मिल रहा नहीं है। लेकिन ये फॉरेनर हमारे साथ है लेकिन फॉरेन से कोई डॉलर वॉलर लेके आया ही नहीं भाई, पैदल चला रहा है हमको। इधर तुम लोग को नहीं मालूम फॉरेन में भी गरीबी चल रही है, वहाँ पे भी रिसेशन का पीरियड चल रहा है भाई। अब बहाने मार रहा है और कुछ नहीं, बस अब लोग जा रहे हैं सुधांशु से मिलने। लेकिन भाई सुधांशु का ऐप है पता नहीं, दिख ही नहीं रहा है। बस जो यहाँ पे अच्छी चीज़ जो दिख रही है वो यहाँ के नज़ारे। और वैसे आप लोग तो देख ही रहे हैं क्या कुछ देखने को मिल रहा है हम लोग को, इसीलिए तो हम लोग कैमरा लेके घूम रहे हैं, अपनी ऑडियंस को साथ लेके घूम रहे हैं। ऑडियंस भी देखे एक्चुअली हम लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं भाई। हम लोग ना यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए नज़ारा देखने का। और अश्विन क्या कर रहा है, ओए कर क्या रहा है? आज मैं कूद जाऊंगा। अबे 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 पागल हो गया है क्या? मैं आज मैं कूद रहा हूं। सब लोग ने मेरे को प्यार में धोखा दिया है। सोनम गुप्ता भाई 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 मेरे लिए रुक जा, मैं जा रहा हूं बाय। चल कोई नहीं, ना टंकी बंद कर तेरा भाई, इसकी नौटंकी तो छोड़ो। लेकिन यहाँ पर देखो जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं ना, ये देखो भाई दिल खुश हो जाएगा। नहीं खुश हुआ तो बताना। यहाँ से कूदेंगे तो बॉडी मिलेगी क्या? कूद के देख, टेस्ट करते हैं। नहीं कूद, मैं कैप्चर करता हूँ बॉडी मिलती है नहीं मिलती, ऑडियंस भी देखेगी। LIC निकालना चल कोई नहीं, अभी तेरा LIC कर देते पॉलिसी बाजार से। शॉर्ट आउट रास्ते में हमें एक जो नज़ारे देखने को मिले हैं ना, कमाल है। और हमें यहाँ पर मिले हैं एक भैया। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय है। हाँ, तो इस जगह के बारे में कुछ बताइए आप हमें। मैं वाकना घाट से हूँ। यहाँ पे JUIT है। हाँ? और यहाँ पे अच्छा, ये जो पीछे घाट है ये इसके बारे में कुछ खासियत? ये NH का है, NH है शिमला देहरी घाट। यहाँ जो व्यू देख रहे हैं आप, ये देहरी घाट है। और यहाँ पे जो मतलब खेतों में फसलें उगाई जाती है, कौन कौन सी फसल है? जो अदरक है, अदरक टमाटर शिमला मिर्च। वाओ, वो यहाँ पे उगाई जाती हैं, अच्छी फसलें होती हैं, टमाटर ठीक होते हैं यहाँ पे। ओके, तो हमारी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहोगे अगर कोई यहाँ पे शिमला घूमने आता है तो? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू है बहुत अच्छी लोकेशन है सब कुछ। ओके ओके, आपके लिए अच्छा है शिमला जो भी है, लोकेशन में सही है। चलिए थैंक यू। तो पेड़ा है, पहाड़ा है, झरने आए लेकिन नहीं आया तो सुधांशु। स्टिल हम लोग वॉक की कर रहे हैं, अभी भी चलते जा रहे हैं लेकिन नज़ारे बस कमाल के आते जा रहे हैं। पेड़ा है, पहाड़ा है, झरने आए। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच गए, ऑलमोस्ट 300-400 मीटर रह गया है। रास्ते में कुछ मिला नहीं, हम चल चल के आए लेकिन जो मिला वो कमाल था, वो था यहाँ का व्यू। सो खुश है, जैसे फील नहीं हुआ कि हम लोग 3 किलोमीटर चल के आ गए, क्योंकि मुझे तो अभी लग रहा है कि 500-600 मीटर ही चले होंगे। और लेकिन हमारा जो फॉरेनर बंदा है ना, ये जो पीछे पीछे आ रहा है थका हुआ सा, ये भाई बोलता है मेरे पैर दुख रहे हैं, बहुत थक गया है। तो
कोई नहीं, फॉरेन लोगों का स्टैमिना कम होता है, फॉरेनरों का स्टैमिना कम होता है। तो गाइस फाइनली हम लोग जियो पहुंच गए हैं, लेकिन हमें अंदर घुसने नहीं दिया, तो हम लोग यहाँ पर बाहर एक मोक्ष करके होटल है वहाँ पर रुके हुए हैं। आई एम हैविंग दिस माय फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी, और अश्विन ने भाई अपना भूखड़ की तरह पहले शुरू कर दिया। आज तो अपना डायलॉग तो सुना सुना वाला पेड़ आए जे वो वाला इसने एक नया डायलॉग बनाया है, और पेड़ आए पहाड़ आए झरने आए देख रहा है ना ये तेरे लिए पेड़ आए पहाड़ आए झरने आए लेकिन सुधांशु नहीं आया। ठीक है, ये कोल्ड कॉफ़ी वैसे 40 रुपीज़ की 40 है ना, तो 40 रुपीज़ की है, तो बेस्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन 40 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। सो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किया है मोमोज, और मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, सो मेरा पहली बार एक्सपीरियंस है मोमोज के साथ। तुक्का था लेकिन ये वो है क्या बोलते हैं, तीखा है थोड़ा सा लेकिन अच्छा, मुंबई का मोदक तीखा मोदक यहाँ मोदक ये सही है, मैं दिल्ली वालों को मोदक नहीं बता रहा। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, मोमोज टाइप की चीज़ होती है लेकिन उसे मोदक बोलते हैं और वो मीठा होता है, मुंबईकर्स को पता है चीज़। और कोई ऑफेंड मत हो जाना। तो वैसे पेड़ आए पहाड़ आए झरने आए और फाइनली सुधांशु भी आ गया। तो भाई कितना टाइम लगा सकल दिखाने में? 6 घंटे भाई, 6 घंटे से वेट कर रहे थे हम लोग। एक तो इसके गार्ड भी हमको अंदर नहीं आने दे रहे थे पहली बार। तो देखो एक होते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ, एक होते हैं बच्चों लोग, एक होते हैं महाबच्चों लोग, और एक होते हैं यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड। ये देख सकते हो, इससे पूछ लीजिए हमारे सिक्योरिटी गार्ड कितने अच्छे हैं। जब हम वीडियो एडिट कर रहे थे रात को, तब पूछना जरा सर कैसा एक्सपीरियंस रहा, उठा के बाहर फेंक दिया उसको, कहता हूं उठा के बाहर फेंक दिया सर, हमारे कॉलेज है तो इस कॉलेज को खास बनाती है और कुछ नहीं, चीज भी खास थी। और भाई ये हमारा एक नया फ्रेंड बन गया है भाई, भाई नाम तो बोल दे। मेरा नाम निष्कर्ष है, और हो सकता है आप सुधांशु, मैं और सुधांशु आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। भाई सेल्फ प्रमोशन। रात में सुधांशु से मिलने के बाद काफ़ी लेट हो गया था, और अंधेरा था, पूरा अंधेरा था, उसको ब्लॉक करने लायक कुछ था नहीं, और हम लोग भी नींद में थे, पैसेंजर्स भी सो रहे थे, तो सोचे जा रहे तो सुबह ही ब्लॉक करेंगे। सो अभी हम लोग पहुंच गए दिल्ली में, मजनू का टीला एरिया है, यहाँ से उतर के अभी हम हिपालपुर जा रहे हैं क्योंकि हमारा होटल वहीं है, तो निकलते हैं यहाँ से। और ये भाई अभी भी नींद में सो रहा है, चलो कर तक दिल्ली मेट्रो सवाल, दिल्ली में स्वागत है आपका। तो गाइस दिल्ली पहुंच गए हम लोग, और अभी जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ विधानसभा, और ये हमारे भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हेडफोन भूल गए अपना वापस में, तो अभी वापस आने वाले हैं हम लोग। तो गाइस हेडफोन्स तो मिले नहीं, हेडफोन्स घूम गए क्योंकि वापस जाने में थोड़ा टाइम लग गया हम लोग, जो रिक्शे वाले भैया थे वो एक बार यहाँ मेट्रो लेकर गए फिर वापस से गए, तो मिला ही नहीं, तो छोटा हेडफोन्स तो गया भाई साहब का, और कोई नहीं आप लोग सब्सक्राइब पैसे कमाएंगे फिर नया हेडफोन्स, कोई नहीं चलो गए तो ठीक है। अभी हम लोग पहुँच गए विधानसभा मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से अभी यूनिवर्सिटी सेंटर के लिए जो है ट्रेन पकड़ेंगे, न्यू दिल्ली जाना है, आगे का देखते हैं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रेवलिंग थ्रू दिल्ली मेट्रोस। अभी हम लोगों ने मेट्रो पकड़ ली है, वहाँ से पकड़ी है फिलहाल से विधान सुबह जा रहे हैं अभी हम लोग यूनिवर्सिटी सेंटर के, ये दो लाइन में, और हम लोग न्यू दिल्ली उतरेंगे, वहाँ से
एयरपोर्ट लाइन में जाना जहाँ हमारे होटल है, उसके बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है, वो देखते हैं। और यहाँ की मेट्रो के बारे में यार खास है, मुंबई की मेट्रो से तो बहुत ही अलग है। तो गाइस हम लोग न्यू दिल्ली पहुंच गए हैं और यहाँ से अब एरो सिटी के लिए जाना है। सो मेट्रो चेंज करनी है, सो निकल रहे हैं हम लोग साथ में। और हमारा जो इंटरनेशनल कोली है वो अभी भी चल रहा है हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं, और साथ में ही रहेगा पूरा। ऐसे ये मेट्रो कमाल, पता नहीं भाई कमाल कितनी कमाल है, वो तो देखने में मालूम पड़ेगा। आने में वैसे स्टेशन काफ़ी कमाल लग रहे हैं। मेरा मतलब एक्चुअली फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, इट वॉज गुड, आई मीन नॉर्मल था। और इसमें देखते हैं भी कैसा कुछ है। चुके हैं हम लोग और चेक इन कर लिया है यहाँ पर, और होटल का नाम है होटल ली कंफर्ट। तो इनके कौन सा एरिया है ये? ये महिपालपुर है। सो महिपालपुर में ये होटल बेस्ड है। और बस फिलहाल के लिए इस ब्लॉग में इतना ही था। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, नो इश्यूज, बस सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ एक और चीज़ रहेगा, यहाँ पे जो व्यू आ रहा है ना, हट भाई हट हट हट, ऑडियंस को व्यू दिख। तो ये जो व्यू आ रहा है ना भाई, ये दिखाना था कमाल का। नॉइज है थोड़ा सा एसी का ये, बट स्टिल जो व्यू आ रहा है ना भाई कमाल है यार। तो गाइस बस ये वाला व्लॉग यहाँ पर खत्म करते हैं, और दिल्ली के बाकी के व्लॉग्स आपको आने वाले टाइम में मिल जाएंगे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो अभी से। आपने बोलना मत, बताया नहीं क्योंकि लाइक नए लोग समझने में करने में निकल जाते हैं। कॉलेज किसी ने लिए मतलब क्लासेस को लेता नहीं था, सब मास बंक कर देते पूरा का पूरा। अब पढ़ाई लिखाई की नहीं, और हमारा क्या सीन था ना कि फाइन भरना होता था। तो वैसे तो मैं रेगुलर स्टूडेंट था, बट कभी कभार लाइक हमारी अटेंडेंस कम हो जाती थी तो फाइन रहता था लाइक 1000-2000 रुपये। तो फिर मैनेज करना थोड़ा जोड़ जाड़ के हम दे देते, ऐसे हो जाता था थोड़ा।